तो ऐसे में देख रहा हूँ महाकाल, अरे बाप रे, यहाँ पर महादेव का स्टिकर बना करके रखा, टैटू बना के रखा और महाकाल की टी शर्ट भी पहन करके रखी है भाई साहब, त्रिशूल भी बना करके रखा है, मतलब बिल्कुल एकदम महाकाल के फैन। तो भाई यहाँ पर हमारी जो चाइनीज बेल है वो रेडी हो चुकी है भाई, कड़क करारी क्रंची से। आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कभी अपने साथ चाइनीज आइटम कड़क करारा खाया। अभी मैं हूँ आरबीज फूड में, आपको दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे बनता है, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, आपको मजा आ जाएगा। ये भी क्या आइटम लगने वाला है अपने आपको, चाइनीज बेल बनाना शुरू कर दीजिए, देखते हैं भाई किस तरीके से बनता है। सबसे पहले तेल डालेंगे, नेक्स्ट अभी क्या डाल रहे हैं, प्याज। प्याज आ गया, ठीक है। वैसे क्या रेट रहने वाला है अपने चाइनीज बेल का? चाइनीज 100 रुपए का, ठीक है। तो मतलब कितने लोग खा लेंगे इसमें? दो चार लोग आराम से खा लेंगे, ठीक है। फिर बनाते रहिए, प्याज डाल दिया, उसके बाद शिमला मिर्च आ गई, गाजर आ गया, देखो भाई गाजर आ गया उसके अंदर, नेक्स्ट पत्ता गोभी। वैसे सिर्फ चाइनीज मिलता है, इसके अलावा बाकी भी आइटम मिलते हैं, बाकी भी ढेर सारे मिलते हैं। क्या क्या मिलता है वो बता देंगे जरा, एक मल्टी मतलब चाइनीज के अपने पास सारे आइटम मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अरे बता रहा भाई, आप देखो एक कढ़ाई और पीछे भाई दूसरी कढ़ाई, ये बनते रहता है यहाँ पर लगातार। कितने बजे से शुरू हो जाता है यहाँ पे? वो 1 बजे से चालू हो जाता है। कितने बजे तक रात को? रात के 11 बजे तक, ठीक है। ये देखो भाई आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं भाई, देखो सॉसेस, टोमेटो चिली, या गया टोमेटो चिली, ठीक है। तो वैसे सर आइडिया कैसा है कि आप लोग ऐसे चाइनीज बेल जैसा कुछ बनाने को बोला? सर बहुत लोगों का डिमांड था कि कुछ चाइनीज हर जगह एक ही जैसा है, एक ही जैसा है, कुछ क्या कुछ है डिफरेंट खिला सकते हैं। अच्छा, तो हमारे घर में चाट पसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं। अच्छा, तो हमने सोचा कि कुछ ये ट्राई किया जाए। जब हमने ट्राई किया फर्स्ट टाइम, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हमने इसको अपने मेनू में जोड़ लिया। सही है, मैं भी वही देखा चाइनीज बेल, मैंने फर्स्ट से ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे सर सारे के सारे मसाले डाल दिए, एक अच्छे तरीके से मिले। जैसे भेल बोलते हैं तो भेल में चटनियाँ पड़ती है, तो अपनी भेल में सॉसेस पड़ती है, नहीं सॉसेस, ठीक है। ये आगे इसके अंदर अभी यहाँ पर अपना मुरमुरा, जिसको बोलते हैं भाई यहाँ पर हक्का नूडल, जैसे कहते हैं ना नूडल्स को फ्राई करके, ये कर दिया अच्छे तरीके से मिले। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कभी अपने ऐसा कड़क करारा चाइनीज अलग कोई आइटम का है, अगर किसी से मटेरियल वगैरह ऐड कराने तो हो जाएगा? जी हो जाएगा। तैयार हो गया अभी जी आपका, ठीक है। देख लो भाई फाइनली कर रहे हैं, देख लो इसकी प्लेटिंग, ये देख लो भाई, ये दिखने में इतनी बढ़िया लग रही है, इसका टेस्ट इतना बढ़िया होगा, जिसको अगर स्पाइसी चाहिए तो स्पाइसी भी ले लेगा ना, इसको जैसा चाहिए वैसा। अगर किसी को मंचूरियन ऐड कराना तो क्या रेट पड़ेगा? वही रेट में दे देंगे, सेम रेट में दे देंगे। अभी क्या डाला जा रहा है इसके ऊपर? या गया भाई देखो, अभी गार्निशिंग करी जा रही है, देखो सबसे पहले आ गया हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन जिसको बोलते हैं, आप आ गया भाई देखो ऊपर से हल्की सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। क्या बात है भाई, भाई ये दिखने में इतनी बढ़िया लग रही है, इसका टेस्ट कितना बढ़िया होगा। ठीक है अभी भेल, ठीक है दे दीजिए। तो फाइनली देख लो अपने यहाँ पर जो चाइनीज भेल है वो रेडी हो चुकी है, टेस्ट करके बता दो कि भाई ये है कैसे। तो फाइनली देख लो अपने यहाँ पर जो चाइनीज भेल है वो रेडी हो गई है, जरा टेस्ट करते हैं भाई। कड़क करारी में आपको दिखाया भाई किस तरीके से बनी है, ऊपर से पत्ता गोभी और शिमला मिर्च सब कुछ बढ़िया से डाल करके रखा है, करते हैं भाई इसका टेस्ट। इसके ऊपर जो है स्पेशल भेल मसाला डाल करके खाना, काफी प्यारा फ्लेवर आ रहा है। भेल तो मैंने बहुत तरीके खाई है, लेकिन अगर चाइनीज भेल का अगर आपको स्वाद लेना है तो मिलेगा आपको यहाँ पर एक ही जगह आरबीज फूड पर। यहाँ पर शॉप का नाम और जगह बता दीजिए। ये है आरबीज फूड, आरबी चाइनीज के नाम से हमारा बहुत फेमस है, जाफर नगर रोड पे, आनंद नगर स्क्वायर पे, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगा यहाँ का? सवेरे 1 से रात के 11 तक, और सातों दिन चालू मिल जाएगा? सातों दिन चालू मिलेगा। चलिए ठीक है, लोकेशन आप सभी को सर ने बता दिया, जरूर से विजिट करना, बताना कि आपको लग कैसा। अगर आपकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर फॉलो करो, ध्यान नहीं हट रहा मेरा इसके ऊपर से। अगर आपकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर तो फॉलो करो, मिलता हूँ किसी बढ़िया सी वीडियो है, तब तक के लिए भाई।